आपने या आपके घर में किसी ने कभी ना कभी तो आयुर्वेद पतंजलि का कोई प्रोडक्ट ज़रूर इस्तेमाल किया होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा दी गई है? अगर नहीं तो आज हम आए आपको बताने। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, हमारा खास शो जो आपको देश और दुनिया की सच्चाई से वाकिफ कराता है। आज हम बात करेंगे पतंजलि आयुर्वेद और बाबा रामदेव की। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा दी है और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पतंजलि आयुर्वेद को सबूत देने के निर्देश दिए हैं कि उसने अप्रैल उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग विभाग द्वारा प्रतिबंधित 14 उत्पादनों की बिक्री पर विज्ञापन बंद कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट इससे यह पुष्टि करना चाहता है कि पतंजलि से सभी स्टोर मालिकों, विज्ञापन आउटलेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रतिबंध का पालन किया जाए और इसके निर्देश सुप्रीम कोर्ट पहले ही पतंजलि को दे चुका है। मंगलवार और बुधवार को 4 प्रमुख शहरों में टीमों ने नई दिल्ली, लखनऊ, पटना और देहरादून में पतंजलि स्टोर का दौरा किया। इस दौरान पतंजलि के विभिन्न स्टोर से बैन किए गए उत्पादों की खरीद में टीम सक्षम रही। इनमें से बिल भी बहुत अच्छे से प्राप्त कर लिया गया। कुछ दुकानों में बैन किए गए सभी 14 सामान उपलब्ध थे। स्टॉल की कमी का हवाला दिया गया। किसी ने यह भी कहा कि इसकी सप्लाई कुछ समय के लिए बंद कर दी गई है। कोर्ट ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा था कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड फिलहाल के लिए अपना हलफनामा दे कि 14 आयुर्वेदिक दवाओं को वापस ले लिया गया है। पतंजलि के वकीलों ने न्यायमूर्ति संदीप मेहता से निर्देश को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने बताया कि हम हलफनामा ज़रूर प्रस्तुत करेंगे और ये निर्देश दिया गया कि हलफनामा 2 सप्ताह के भीतर दे दिया जाए और मामले की सुनवाई 30 जुलाई को निर्धारित की गई। सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि आयुर्वेद के एडवोकेट गौतम तालुकदार ने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा पारित निलंबन को रद्द करने का आदेश अभी तक पतंजलि को नहीं बताया गया है। पतंजलि को इसकी जानकारी राज्य द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में जारी मिली। जब तक कोई आधिकारिक आदेश प्राप्त नहीं होता, पतंजलि 15 अप्रैल को उत्तराखंड राज्य लाइसेंस प्राधिकरण को 14 उत्पादनों पर लगाए गए निलंबन का पालन करने का बाध्य रहेगा। जिन 14 पतंजलि उत्पादकों के लाइसेंस रद्द किए गए वो हैं श्रवस्त्री गोल्ड, श्रवस्त्री, ब्रोकॉम, बीपी ग्रिट, मधु ग्रिट, मधुसूदानी एक्स्ट्रा पाव, लिवरामिथ एडवांस, लिवरोग्रिट और एग्रिथ गोल्ड। ये सभी दवाइयों को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। नई दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में पतंजलि स्टोर पर टीम पहुंची। इस दौरान दुकानदार लाइसेंस रद्द होने की जानकारी से बिल्कुल अनजान थे। उसके पास बैन किए गए 14 उत्पादनों में से 7 स्टॉक में थे। हर 2 सप्ताह में अलमारियाँ खाली हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि 1 साल से ज़्यादा से समय से वे यह दवाई बेच रहे हैं। इनमें से 7 अभी हमारे स्टोर में बिल्कुल उपलब्ध है, लेकिन कुछ दिनों में स्टॉक ज़रूर आएगा। अभी स्टॉक कुछ दिनों से कम आ रहा है। ईस्ट ऑफ कैलाश में पतंजलि स्टोर पर दुकानदार ने कहा कि उनके पास 14 में से 9 दवाइयां प्राप्त हैं, लेकिन उसे प्रतिबंध के बारे में कुछ भी खबर नहीं थी। उन्होंने कहा कि हमारे पास ईस्ट ऑफ कैलाश, ग्रेटर कैलाश, जंगपुरा, पंचशील पार्क, ग्रीन पार्क और कई इलाकों के लोग आते हैं। वो लगातार रूप से हमारी दवाइयाँ खरीदते हैं, जिसमें ज़्यादातर बुजुर्ग या फिर मध्य आयु के कपल्स होते हैं। पटना के लोकनायक भवन में पारित पतंजलि के आशोष केशरी ने कहा कि उन्हें कंपनी और से अपने आयुर्वेदिक उत्पादों को बिक्री बंद करने की कोई सूचना नहीं दी गई है। केशरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान दवाओं की सप्लाई करीब 10 दिनों के लिए बाधित थी। अगर पतंजलि के किसी भी उत्पाद पर प्रतिबंध लगाया जाता तो उसे सप्लाई बंद कर दी जाती। ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया। हमें उन्हें नहीं बेच पाते और हम ऐसी चीज़ों को आगे लोगों तक नहीं पहुंचा पाते, लेकिन इसके लिए हमें कोई निर्देश नहीं दिया गया है। टीम ने 14 में से 13 उत्पादकों को 3,215 रुपये में खरीद लिया। इससे ये पता चलता है कि अभी तक प्रतिबंध की सूचना सही तरीके से नहीं पहुँचाई गई है और ग्राहकों को सेहत के साथ अभी भी खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।